उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लखनऊ में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रताप प्री ने कांग्रेस कार्यालय में सम्मेलन किया। इस दौरान इमरान प्रताप प्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहली बार यूपी आया हूं और अब यूपी के जिले जिले यात्राएं होंगी। अगर किन्हीं वजहों से आप नाराज हैं तो कांग्रेस के साथ आइए, इस देश को सिर्फ कांग्रेस लेकर के आगे जा सकती है और कोई पार्टी नहीं जा सकती। हम 2022 के चुनावी मोड में आ चुके हैं, लगातार हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम इसके बाद कांग्रेस बहुत अप्रत्याशित फैसले देगी, अप्रत्याशित नतीजा देगी उत्तर प्रदेश के चुनाव। दावा करता है कि बस उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के वजूद को किसी कीमत पे नकार नहीं सकते उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और आने वाले एक महीने, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले एक महीने में उत्तर प्रदेश कहेगा कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। देखिए, अकलियत के लोग हमेशा से कांग्रेस पार्टी का बुनियादी वोट बैंक रहे हैं, वोटिंग करते रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। और अकलियतों का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, उसमें सरदार भाई भी हैं, उसमें जैन भाई भी हैं, उसमें ईसाई भाई भी हैं, उसमें बौद्ध भाई भी हैं, उसमें पारसी भी और मुसलमान भी हैं। 6 कम्युनिटीज मिलाकर के अल्पसंख्यक विभाग बनता है। हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे, जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, किसी वजह से नाराज हैं हम उन्हें उनके सामने मोहब्बत से कहेंगे कि कांग्रेस आपका परिवार है, कांग्रेस आपका घर है, आपके बुजुर्गों ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने कांग्रेस को हमेशा अपना घर समझा है। तो अगर किन्हीं वजहों से आप नाराज हैं तो कांग्रेस के साथ आइए, इस देश को सिर्फ कांग्रेस लेकर के आगे जा सकती है और कोई पार्टी नहीं जा सकती। 2022 जाहिर सी बात है, हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की समस्त सीटों पर तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, लल्लू जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार संगठन पर काम हुआ है और संगठन का काम अब दिखने लगा है। हमने ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रखी है, बाकी कुछ फैसले हैं जो शीर्ष नेतृत्व करता है वो वक्त के हिसाब से देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामदास अठावले भी आ रहे हैं, मांझी भी आ रहे हैं, साहनी भी आ रहे हैं, सब आए लड़े, लोकतंत्र में सबको हक है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्तर प्रदेश में रामदास अठावले भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मांझी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, साहनी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। हम 2022 के चुनावी मोड में आ चुके हैं, लगातार हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम इसके बाद कांग्रेस बहुत अप्रत्याशित फैसले देगी, अप्रत्याशित नतीजा देगी उत्तर प्रदेश के चुनाव। ये तो हर आदमी दावा करता है कि बस उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और है ही नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के वजूद को किसी कीमत पे नकार नहीं सकते उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और आने वाले एक महीने, सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले एक महीने में उत्तर प्रदेश कहेगा कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। आप अभी थोड़ी देर इंतजार करें, हम अपना 15 सूत्री घोषणा पत्र जो खास तौर से आज के कार्यक्रम के लिए हमने तैयार किया है उसका ऐलान करेंगे, आप उसको ले लीजिएगा। हम 15 तोहफे देंगे, उन्होंने एक तोहफा दिया। देखिए, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लगातार इस पर काम कर रहा है, अभी इंदौर की घटनाएं हो या नीमच की, देवास की, हमारा डिपार्टमेंट लगातार वहां पे खड़ा रहा है। हमने लगातार उनकी मदद की है, हमने लीगल मदद की है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट राष्ट्रीय स्तर पर लीगल सेल बनाने चल रहा है और ऐसे किसी भी पीड़ित के, देखिए इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला।
हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सबको अधिकार है लोकतंत्र में, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन करे, कोई सद्बुद्ध सम्मेलन करे, सब